आज बहुत ज्यादा तेज धूप नहीं निकली हुई, इसे ठंडा ठंडा से जैसे सर्दी आई हो, और इतनी ज्यादा ठंडी हवा, और सामने ही बैठ के हम सबका नाश्ता हो रहा है। आ जाओ तो आ जाओ, नाश्ता कर लो, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। इधर मम्मा के साथ बैठो, तो इधर यहाँ से बैठो। ये क्या है? चलो मिक्स करें। एग तो ना है, एग को मम्मा को अच्छा लगता है बॉयलर भाई। पता ही है, नाश्ता सबका हो गया, बच्चे अपने अंडे लेकर घूम रहे हैं। तैयबा के साथ दोस्त पियोगी अनोखी? चाय का कलर तो बहुत प्यारा है। अम्मा के लिए भी बनाइए, सबके लिए बनाई हुई है। चलो ये अनु के हाथ की गर्मा गर्म चाय मिल गई सुबह सुबह। कुछ बना के अब अपने रूम में जा रही हैं, वहाँ पर अपनी गुड़िया के साथ भी खेलती हैं और साथ में अपनी चाय भी इंजॉय करेंगी। ऊपर बिस्किट भी होंगे, अनु बिस्किट भी ले जाओ। तैयबा अम्मा जाग रही है, सो रही है? सो रही है अम्मी। चलो चाय है, चाय बनी हुई थी, अम्मी तो सो रही है। अम्मी चाय ताजी बनी हुई है। अनु एक कप अम्मा को भी दे दो, उठ गई है अम्मा। तो बाकी इस रूम की भी हमारी क्लीनिंग हो गई है। यहाँ पर मुस्तफ़ा अभी उठ के गए, तो ये बिस्तर लपेटने हैं, बाकी नीचे से झाड़ू पोछा लग गया है। यहाँ से पोछा लगाया था तो इस वजह से चेयर सारी हटाई है, अभी इनको बना के भी रखना है वापस। अब आप किस वजह से रो रही हो बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? देखो क्या हुआ, किसने मारा, किसने मारा? ओके, डोंट क्राई माय बेबी। और बाकी इसके अलावा कल बाबर दिलबर आए थे, अम्मी को सबको पूरे फैमिली के साथ दावत देकर गए हैं, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए तैयबा का ड्रेस भी निकाला है। दावत के लिए सबको तैयार करना है, ये बस ब्लैंकेट एंड में रह गया, बाकी हमारा पूरा घर अच्छे से साफ सुथरा हो गया। ये वाला रूम भी हमारा साफ सुथरा ही है, बस यहाँ पर सुबह भी बेडशीट बना के रखी थी, लेकिन दोबारा जैसे बच्चे अपना कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, ये बेडशीट निकल गई, तो हमारी आए तो बार बार ऊपर चढ़ जाती है बारबी को देखने के। ये कहती है कि वो पिंक वाला बड़ा ब्लैंकेट। मम्मा को कपड़े आयरन करके दे गया है। ये क्यों सारे बिस्तर निकाल रहे हो अब यहाँ से? अच्छा, इस ब्लैंकेट के पीछे पड़ी, इसको सोना तो नहीं है। और बाकी अम्मी का रूम भी सुबह उठते ही सब कुछ साफ तो कर दिया था, लेकिन बाद में फिर से थोड़ा बहुत तो होता रहता है, जैसे बच्चे बेडशीट खराब करते हैं। बस जैसे अभी हमारी आयत ने ये ब्लैंकेट निकाल लिया, अभी आपको नहलाने का टाइम है, मुझे लगता है इसको नींद का है ना, नहलाऊंगी तो आप सो जाओगे, आ जाओ। तो अभी मम्मा ने आपके कपड़े निकाले, फ्रेश हो जाओ, चलते हैं। हाँ यही वाले बाल ठीक है, ये बना दूंगी, यहाँ पे धूप है बहुत ज्यादा, दिख ही नहीं। हाँ अब सही से दिख रहा है। तो ये भाभी ये फ्रॉक भी बहुत प्यारी लग रही है, क्या हो गया, पिक्चर बना रही हूँ? वो नीचे सारे बिस्तर इसने फेंक दिए, जाओ वो बिस्तर ऊपर रख के आज आज मेरा बेबी। भाई बाप पानी भरो। और बाकी हमारी वॉशरूम सब कुछ देखे, पूरा का पूरा हमारा काम हो गया, अच्छे से साफ सफाई हो गई है। और अब तैयबा जो है ना पानी भर रही है, इनको नहलाना है मुझे, जब पानी भर जाए ना फिर मुझे आवाज देना। ओके, बनने का बहुत शौक है इसको, मेकअप आज कह रही थी मेकअप, मैंने कहा नहीं ज्यादा नहीं करना, अभी बाहर जा रहे हैं, घर पे तो करती रहती है वो, ब्लश ऑन लगाती है, लिपस्टिक, अच्छा खुद बन जाती है। हाँ दिखा अपनी ड्रेस, दिखा बहुत प्यारी लग खड़ी है, जो खूब बाल इसने बनाए हैं, हेयर बैंड ढूंढ कर ये लाई है, खुद बनाए। हाँ इसने शुक्र है कि सलवार पहनी है, कह रही सलवार वाला सूट नहीं पहनूंगी, बहुत प्यारा लग रहा है। कौन सा उस दिन वाला? हेलो मुस्तफा, मेरी और अम्मा की भी साथ में बना दो स्टार्ट। तो आज जो है ना अपना व्लॉग हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, तैयबा करो सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मम्मी आप भी सबको सलाम बोल दें, सबको सलाम दे रही हूँ। सलाम मेरी तरफ से और मेरी अम्मी की तरफ से सलाम। और अभी हम अपना व्लॉग तो खैर कब से स्टार्ट हो रहे हैं, छोटा सा इंट्रो मैंने लेना था, अम्मी के साथ के सलाम जो है ना एक साथ शुरू करते हैं। तो अभी तैयार हो गए अम्मी, आप भी जल्दी से तैयार हो। दावत हम घर पर नहीं जा रहे, हम उन्होंने कहीं होटल का बोला था, हमने कहा होटल भी हम नहीं जाएंगे, हमें पार्क में बैठना है, वहाँ पर अच्छा भी लगता है, खुली हवा मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है ना। आए कमी सुलाए वो नहलाए वो सो गई है, बहुत अच्छी लग रही है, सूट भी बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है। अभी मेरी बेटी खुश है मेरे साथ, अल्लाह इन्हें सलामत नजर भी ना लगे मेरी बेटी। आमीन। अम्मी को ये सूट अच्छा लग रहा है, अम्मी आपको भी मैं सा बनवा देती हूँ। नहीं मैं तो सब बड़ी हूँ बेटा, अम्मी अब आप भी तैयार हो जाए। हाँ जैसे करें भाभी को ना फूल गिफ्ट करें, फूल ले आए इनके जो भाभी को पसंद हो, वैसे गमले गमले। और मुझे यहाँ पे एक टॉपिक की बात आ गई। हाँ सामने दोस्त आ गया, उसने कहा भाई ये क्या हो गया है, खून निकल रहा है आपके माथे से। तो उसने कहा अपनों ने फूल मारा।
कैसे अपन ने फूल मारा कि आपके माथे से खून निकाल रहा है? उन्होंने कहा गमले समेत मारा भाई। तो भाभी इसीलिए बोल रहे ना कि गमले समेत दीजिएगा, जब गुस्सा आएंगी तो गमला उठा के मारेंगी। सीरत नेक सीरत वाली बीवी दी है। सुन रही हैं भाभी कितनी तारीफ कर रहे हैं आपकी। हाँ तो भाभी भी देखें आपके लिए कितना काम कर रही हैं। जब ये नहीं होती मैं सही सीरियस सही बात कर रहा हूँ, वो तो आंखों के आंसू जो है ना अंधेरा तरह से। अभी रोशनी आ गई है ना आपकी, रोशनी देख ले। हाँ रोशनी आ गई है ना, वो कम बिल्कुल ये लव मैरिज। अच्छा भाई भाभी की जो है ना लव मैरिज, ये भी आपको पता होना चाहिए YouTube फैमिली को। तो अभी तक आपने बताया नहीं है पहले कभी? मैंने अपने चैनल तो भी खोला है। हाँ अभी चैनल पे भाई बताएंगे अपनी लव स्टोरी, शादी की कैसी है के बारे में अपनी स्टोरी। जब हम लोग पैदे हमारे यहाँ ना जो है कि बचपन से एक दूसरे के बचपन से रिश्ता किया था। बचपन से हम एक दूसरे को बचपन से ही जो है ना बहुत ही प्यारी भरी निगाहों से देखते थे। मुझसे जो इनका रवैया है वो तुम आप बता नहीं सकता। अम्मी भी कब से बातें सुन रही हैं, जरा कुछ कहेंगे आप जैसे चमेली के फूल गिर रहे हैं। मैं कुछ नहीं, भी तारीफ करें वो है। नहीं नहीं भाई ने बहुत ज्यादा तारीफ कर ली है, वो आपका सूट भी स्त्री हो गया तारीफ करते करते, देख लें ये कर ली। सूट भी स्त्री हो गया और सितारा को भी खुश कर लिया। हाँ मेरे साथ ही रहते हैं तो बताइए, सच में इनकी लव मैरिज हुई थी? नहीं ये छोटे छोटे थे, हमने रिश्ता किया। अच्छा अच्छा चले, मुझे फेवरेट वाइफ और कितनी वाइफ है फेवरेट ये इसी से शादी करूंगा, देख ले फिर भाई आपका नसीब तो अच्छा है ना। फेवरेट चीज दिल की बात। हाँ जब बचपन से जिसका बोलते थे फिर हुआ तो आपका भी वही है ना, चांद का टुकड़ा है। हाँ बिल्कुल फुल तैयारी हो गई आपकी। तो ये आपको ये बैग इतना प्यारा, नेल पेंट भी लगाया, दिखाओ नेल पेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है। फुल तैयार हो गई है मेरी बच्ची, अब हमारी चुटकी रह गई। चुटकी तो सो रही है, अब चुटकी को छोड़ के चले। हमारी चुटकी ये रही, मोमो की परी सो रही है। कहाँ है मुस्तफा, आप रह गए, आ जाओ जल्दी से आ जाओ मेरा बच्चा। यहाँ पर सब तैयार हो गए, यहाँ की लाइट्स ऑफ कर दूं और जो अम्मी को, हाँ अम्मी को जाना। आज मेरा ये वाला सूट इतना अच्छा लग रहा है अम्मी ने ना, बहुत अच्छा लग रहा है अम्मी बार बार मेरी सूट की तारीफ करने लगे। आयत को भी हाँ अम्मी कह रही है कि येलो कलर बहुत प्यारा लग रहा है। और ये बीबी क्यूट बीबी, ये देखिए ये शूज पहन रही है और माशाल्लाह करो ना मेरी बच्ची के लिए ना, माशाल्लाह करो। माशाल्लाह कौन नहीं करता ऐसे ब्यूटीफुल बच्चे के लिए। हाँ। वो सलाम तो करो आप, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे ऐसे सलाम वाल ऐसे करो सलाम। नींद से उठी है ना, नींद से उठी है तो अभी नहीं कर। चले आ जाओ, लाइटें सारी ऑफ करो। मुस्तफा नीचे चला गया, चाचू मुस्तफा नीचे गए। हाँ चलो, आपने नहीं उठाना हम उठा लेंगे। चलो आपने मेकअप कर लिया, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बस लॉक कर दें। चलो अल्हम्दुलिल्लाह से सब तैयार हो गया। वैलिडिटी भाई अपनी फैमिली को पार्क छोड़ कर आए, पार्क घर के करीब ही है, अभी हमें लेने के लिए आए हुए हैं। आ जाए अम्मी, चलो हाँ आगे आगे बैठे बच्चे, आगे सारे पीछे छोड़ के आ गए फैमिली को। चलो आराम से बैठो, अब बंद कर दो। अम्मी आगे आ गई हैं, अब आप दोनों बाइक, आप बैठे दो। चलो ये दोनों देखो कैसे बैठी हुई हैं। हाँ ये कहाँ जा रही है नींद से उठ के फोन। बच्चों पीछे एंजॉय कर रहे हो, ऐसे हाय करो, मम्मा ड्राइव कर रही है ना तो इसलिए पूछ रही हूँ। गाड़ी चला के जा रही हूँ, सही बैठे हो ना पीछे। सारे बच्चों को एक साथ लेकर चल पड़ते हैं ना, रवाना हो पड़ते हैं गाड़ी लेकर। मैं भी वैसे ही गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रही हूँ, ऐसे ऐसे लग भी रहा है। पापा याद आ रहे हैं, हम पहुँच गए, आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जी जी आ जाओ आ जाओ, खोलो दिल पर पीछे बच्चे सारे, नहीं खुलेगी। तो अच्छे टाइम पर अम्मी हम आ रहे हैं ना, ज्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ और ठंडा हो। डर रही है कि री गाड़ी आ रही है, जी जी बाइक भी आ गई है, गाड़ी भी आ गई, सब कुछ आ गया। चलो अब आराम से खेलो, भाग जाओ, भाग जाओ पार्क में। भाभी इस साइड पर चलेंगे, इस साइड पर सारे बैठे हुए। तो यहाँ पर देखिए ये तो पूरी फैमिली पिकनिक जैसे होती है हमारी, वो हो गई, दावत भी हो गई, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बैट बॉल
यहाँ तो क्रिकेट भी चल रहा है। ये तो बड़ी अच्छी दावत है, ऐसी दावत तो होनी चाहिए ना अम्मी। पर ये बाकी रहे तो लग रहा है बहुत ज्यादा खाने बनाकर आयो। अरे हमारी चुटकी बैठी हुई है, YouTube फैमिली है ये सारी। सारी YouTube फैमिली ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। हाँ टोला। तो ये रही हमारी पूरी की पूरी फैमिली, पूरी की पूरी YouTube फैमिली आई हुई है यहाँ पर। क्यों जुल्मी पार्क क्यों रखे इसका नाम? जुल्मी पार्क इसलिए कि इधर आके हम लोग जुल्म तो करते ही हैं, देखो इतना सारा। हाँ जुल्म ऐसे करते हैं चाचू, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग आते हैं एक्सरसाइज करने, वॉक करने। हम लोग यहाँ पर खाने पीने आते हैं, जुल्म में खा पी के बैठ जाते हैं, खा पी के बैठ जाते हैं। ये शायद भाई का नंबर मिला है। हाँ शायद भाई का। हाँ अच्छा, हाँ वो चाचू को लेकर गए हुए ना। और आपने देखा हमारे साथ चाचू तो आए नहीं, तो चाचू डॉक्टर के पास गए थे, मेरे जेठ उनको साथ लेकर गए, उनको आइज का चेकअप कराना था, बल्कि अपॉइंटमेंट लेनी थी। वो भी आते ही होंगे तो वहाँ से सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल से इधर ही आएंगे। सारा का सारा खाना लगा हुआ है। मम्मा यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, वीडियो मैं नहीं बना रहा। ओके अच्छा मुझे लगा शायद केक कट करने के लिए इतने ज्यादा केक भी लाए। हाँ मीठे में इतनी ज्यादा। ये इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं आउट हो रहा कब से, ये किसी से नहीं आउट हो रहा। हाँ सचिन तेंदुलकर आया हुआ है, किसी से आउट ही नहीं हो रहा। छोटा सचिन है, छोटा सचिन तेंदुलकर। और ये देखिए, और ये खूबसूरत बाल, और ये देखिए अभी क्या होता है ये। हाँ फिर मुलाकात होगी। ये सचिन तेंदुलकर आउट नहीं होने वाला। ये रायता आप घर से नहीं बना कर आए थे? रायता इधर ही बनेगा अभी। अच्छा सारे मसाले कट कट के आए हैं, तो खाना भी सब शुरू करेंगे ना। बच्चे भी सारे आ गए, खाना यहाँ पर सज रहा है, देखें यहाँ खाना निकाल रहे हैं। ये सारे आगे अम्मी आगे रख दे। अम्मी ये किसी के पास जाती भी नहीं है। हाँ अभी आई हुई है। ऐसा हमारी पूरी फैमिली बस आ। ये तंग करिए आइसक्रीम के लिए, नहीं दिलाएगा चाचू, नहीं दिलाएगा आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं दिलाएगा। कपड़े भी गंदे करेगी, इसका गला भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें, इसका नाम डीडी भाई ने रखा है थैली वाला केक। और थैली वाला केक देखो, हम सब देख रहे हैं कि कौन सा थैली वाला केक है। हाँ ये आज पहले, आज तक कभी किसी ने ये नाम नहीं सुना होगा थैली। मुस्तफा खाओगे? लेकिन ये आम जगह से नहीं मिलता। फिर कहाँ से मंगाओ? ऑर्डर पे बनता है। हाँ थैली वाला केक। तो जो भी सुन रहे हैं तो इसको देख लें, ये थैली वाला। अम्मी आपने कभी खाया थैली वाला केक? नहीं हमने देखा। हाँ, ये मैंने इधर स्पेशल बनवाया, तुमने कहा था स्पेशल। हाँ ये पहली दफा नाम इसने पहली दफा रखा है थैली वाला केक। आपने बचपन में कहाँ से खाया था? हाँ बस मैं खुद रखा है इसने थैली वाला केक। अम्मी खाए आपने? नहीं अभी, हाँ। अभी चेक करती हूँ। तो ये पहली बार हम थैली वाला केक खा रहे हैं सबने, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया यहाँ पर। तो अब ये पैकेट में बस इस तरीके से पैक है, तो इसको थैली वाला केक नाम दे। केक दोनों का बता दो, दोनों का दावत बहुत मजे की। केक पेस्ट्री वैसे फिर बोलेंगे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, खाना खा रहे हैं क्योंकि डिशेज ज्यादा है, खाना ज्यादा है। थैली वाला केक अल्लाह, इधर से पड़ा, इधर से नीचे पता चाचू ने क्या किया है, चाचू ने पता क्या किया, यहाँ से उठाया थैली वाला केक, वहाँ खड़े हो जल्दी जल्दी जेब में डाल दी, वो घर जाके खाएंगे। शुक्र है सुना ने। हाँ घर चल के खाएंगे। फिलहाल हम ये इन्जॉय कर रहे हैं, और ये मैं भी थैली वाला केक।
घर चाय के साथ ऐसे हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं देख रहा। तो दावत हम खा के अभी जा रहे हैं, किसके घर कहाँ गया वो खड़ा हुआ है, वो हो रहा है बोला मेरे घर ठीक है तो ये तो अभी इनके घर जा रहे हैं चाय के लिए, चाय पीने वहाँ पर, फिर वहाँ से फिर अपने घर आए। हाँ दीदी भाई छोड़ा है सबको, अभी खाली है गाड़ी हमारे लिए। चलो चाचू तो बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक के पीछे, कोल्ड ड्रिंक कैसे नहीं छोड़ी, लेके आई अपने साथ, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ी, वहीं से लेकर आई है। हाँ एक ये। चलो भाई बच्चा पार्टी पूरी आ गई, पीछे आ गए तई वह ग्लासेस भी साथ में लाई थी अपने। दिल पर क्या गाना लगाया है, पूरा हमारी फैमिली के हिसाब से लगाए, हम साथ साथ हैं, बहुत अच्छा गाना लगाया। ये वाली लाइन कितनी अच्छी है बाबा, अपने गांव की गलियों में चले हम। ये काम देखो इनको, बाइक पे होते भी। डीडी भाई पूरा हमारे बचपन का गाना लगा दिया हमने। चलो अभी हम पहुंच गए हैं डीडी भाई के घर पर, आ जाओ आए। बहुत अच्छा, बहुत मुबारक है ना। अमी ये है कि चलो किराए के घर से तो अच्छा है ना कि अपना घर। मैंने सबसे छोटा वाला चुना है क्योंकि इधर खिड़की की वजह से कि यहाँ से हवा आती है ना। अच्छा है ना अमी घर इनका। हाँ गाजर हलवा बन रहा है जो कि पैसों से हवा दी जा रही है। बहुत पैसे जमा हो गए भाई, बहुत पैसे जमा हो गए। गरम गरम हमारा गाजर का हलवा। ये पैसे जमा कर रही हूं घर के देने। अच्छा अच्छा घर के देने, जो घर अभी खरीदा है। और साथ में यहाँ पर तैयार हो रही है इलायची वाली हमारी मजेदार चाय, जिसके लिए हम वापस इनके घर आए हैं चाय पीने। दावत उनकी खा ली थी। अब जैसे काम करियो, बर्तन धो लियो, पीछे से कोई पैसे उठा के चला जाए फिर। हाँ ये बात तो है। चलो हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ ये तो आज वैसे अम्मी दिन लग रहा है जैसे वो ईद पे नहीं हम खर्ची लेते थे। हाँ अभी वैसे ईद ही चल रही है, ईद ही बढ़ रही है। हाँ बड़े देते रहते हैं, और बड़ों के हाथ से जो 10 रुपए भी मिल गए ना कितने अच्छे। चाचा आपने कभी नहीं दिया। एक बच्चा था उसके घर पे जो मेरा मेहमान था ना, तो वो उनको हमेशा बोलता अंकल खाना खा लिया, बोलते हाँ। दूसरे जो मेहमान थे वो तो हमें कुछ ना कुछ देखे, आप कुछ नहीं दोगे, नहीं दो। वो भाग गया लेकर, पर खर्ची मिल रही है लाइन से। छोटा मीर रह गया, सारे बच्चों के पैसे यही छीनने वाला, ये खड़ा हुआ कब से देख रहा है। पूरा 4000 पूरा अच्छी है देखा। हाँ ले लो अभी। सबको मिले हैं, सबको नहीं मिलेंगे बस। हाँ नहीं नहीं सबको मिल रहे हैं, तैयबा तैयबा के भी हैं। चलो आप तो घर में होते, वो तो आयात भी रहती है भाई, आयात भी रहती है। आज तो अम्मी सारे बच्चों ने लूट लिया है, सारे बच्चों ने अम्मा का बैग खाली कर दिया है। हाँ बस हाँ खुश हो रही है। आए आए पैसे मम्मा को दे दो, गुम हो जाएंगे, मम्मा को दे दो इतने ज्यादा। हाँ ये पैसे अभी लेके दुकान पे जाने वाले थे, इतने पैसे तो सारे पैसे लेके जा रहे थे दुकान बस पे। बच्चों पैसे अपनी माँ को दे दो, अपने वाले देन को दे दो, बच्चों सारे के सारे पैसे वापस लौटा दो। मुझे सब दिखाई दे गए, बच्चे से हजार, बच्चे से हजार लेके 10 का नोट दे दिया ना, सब दिखाई दे रहा मुझे। अच्छा मैंने भी तैयबा से ये लेके ना इसको 10 रुपए पकड़ा दिए, वो खुश है। चलो यहाँ पर तो चाय टी पार्टी, ये रही हमारी टी, ये रहा गाजर का हलवा। अम्मी आप इस साइड पर बैठे, उधर से क्यों बैठे, हमें हवा आ रही है। अच्छा
और अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन जो है ना बहुत अच्छा गुजरा, और यहाँ पर दावत बहुत अच्छी बाबर दिलबर ने की, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मतलब अम्मी के आने से बहुत ज़्यादा हमारे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह से रौनक लगी हुई, और आप भी ऐसे हम सबको फैमिली को एक साथ देख के खुश होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है आप सबके मैसेज कमेंट पढ़ के, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं बताऊं कि ऐसे लगता था जैसे घर से हमारे ना खुशियां नाराज़ हो गई हैं, चली गई हैं, पता नहीं जैसे काफ़ी टाइम से खुशियां नहीं आ रही, लेकिन अम्मी जब से आई हैं घर में बहुत ज़्यादा खुशियां लेकर आई हैं, और हम दिल से मुस्कुराते हैं, दिल से खुश होते हैं। और यहाँ पर मेरे बड़े अब्बा को हम सब मिल के याद कर रहे थे, जो मेरे नाना हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हंसाते थे, हम जब भी उनको याद करते हैं मतलब इतना ज़्यादा हंसी आती है। अभी तो यहाँ पे मैंने म्यूट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज का व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था, यहाँ से जैसे हम घर गए फिर मैं थक गई थी, तो जाकर फिर अम्मी कहती है नहीं पहले रेस्ट करो, तुम्हारी आँखों के लिए सही नहीं है, जागा मत करो, तो इस वजह से फिर व्लॉग रात को एंड ही नहीं किया, फिर नींद आ गई थी। तो कभी मैं वॉइस ओवर हटा के बाबर दिलबर सही से बड़े अब्बा को कॉपी करते हैं, और वो बताते हैं कि बड़े अब्बा कैसे कैसे बातें सुनाया करते थे, बहुत ज़्यादा हंसाते थे, जब भी मतलब उनको हम याद करते हैं इतना हंसी आती है, बहुत अच्छा लगता है, काश 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 वो अब भी हमारे पास होते। लेकिन अल्लाह पाक उनको अभी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, मतलब जब भी देखें ना जब इंसान चला जाता है तो उनको ऐसे अच्छे अल्फाजों में खुशी से उनको याद किया जाए, जो कि अब भी आज तक हम उनको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें प्यार करते थे। तो बस यहाँ पर वही हमारी बातें चल रही थी, हम बड़े अब्बा की बातें कर रही थी, और इसके बाद फिर मैं जैसे घर पर गई, वहाँ पर अम्मी ने अपना सामान निकाला तो कुछ भाभी को दे रही थी, हालांकि हमने सख्ती से मना किया अम्मी को, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी बीमार थी जब सऊदीया में थी, तो हमने कहा था कि अम्मी आप कुछ भी नहीं लीजिएगा, अम्मी की यही कहती थी कि मैं अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं सब क्या बोलेंगे, तो मैंने कहा अम्मी किसी को पैसे दे देंगे, किसी को छोटे मोटे गिफ्ट मैं यहाँ से आपको दिला दूँगी, आप बस आ जाएँ, क्योंकि बीमार थी तो कैसे मार्केट जाती, ये लेती वो लेती, लेकिन अपनी तरफ से फिर भी उनके पास घर पे जो भी पड़ा था, छोटे छोटे दुपट्टे थे, छोटे छोटे गिफ्ट थे, वो बच्चियों को सबको दे रही थी, सबको बांट रही थी, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की है कि किसी बच्चे को भी ये नहीं बोला कि मैं आपके लिए ये नहीं लाई वो नहीं लाई, भाभी के बच्चों के लिए, भाभी के लिए, तो सबको अभी निकाल के अम्मी दिखा रही थी, मुझे दिखा रही थी ये दुपट्टा चाहिए, ये ले लो वो ले लो। तो खैर अम्मी को तो हमने मना किया, लेकिन अम्मी का दिल किया, जो भी उनके पास था वो लेकर आई हमारे लिए, बस वही देख रहे थे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आज का व्लॉग मैंने एंड नहीं किया, इधर ही अल्लाह हाफिज़ बोल रही हूँ आप सबको, और थैंक यू सो मच हमें सबको, मुझे अम्मी को इतना प्यार देने के लिए, ये थोड़ा बड़ा है, हाँ बड़ा चाहिए मुझे। आज भाभी ने देखे कितना ज्यादा झोली भरी हुई है गिफ्ट से, और ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा अम्मी से गिफ्ट लेकर जा रही हैं, ये देख लो इसने छुपाया हुआ। अभी ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा है, वो अंदर रख के आई हुई है, डब्बे भरे हुए हैं। और देखो यहाँ पर अम्मी अबाया भी दे रही है भाभी को, बहुत सारे गिफ्ट जमा कर लिए। अच्छा मुझे लगा शायद भाभी का, हाँ भाभी का भी वैसे हो गया, हाँ अम्मी ने वैसे भेजे थे, मुझे लगा शायद ये भी भाभी का है।